अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट यासिर आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हर वाफिस से होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ लाइफ सर्टिफिकेट के हवाले से जी, के लाइफ सर्टिफिकेट क्या है, लाइफ सर्टिफिकेट की कब जरूरत पड़ती है और लाइफ सर्टिफिकेट कब जमा करवाना होता है बैंक को, और वो कौन से अकाउंट होल्डर्स हैं जिनके लिए मैंडेटरी है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना, और इसके अलावा लाइफ सर्टिफिकेट का अल्टरनेटिव क्या है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। व्यूअर्स, लाइफ सर्टिफिकेट स्पेशली पेंशनर्स के लिए यूज होता है, यानी कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर आपने अपना नाम, अपना CNIC नंबर, अपनी वल्दियत, अपना PPO नंबर और सिग्नेचर करके किसी गजटेड ऑफिसर से, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर या जो जिसका कम से कम ग्रेड 16 हो और उसकी स्टैम्प बनी हो, उससे साइन स्टैम्प करवा के बैंक को जमा करवाना होता है। इसका मकसद जमा करवाने का ये होता है कि बैंक इस चीज को ऑथेंटिकेट करता है कि जो पेंशनर हमारे पास से पेंशन ले रहा है। बाज का ऐसे होता है कि पेंशनर्स डायरेक्टली बैंक में नहीं आते, वो चेक दे के भिजवा देते हैं अपने किसी फैमिली मेंबर को चेक कैश करवाने के लिए, या ATM से पैसे निकलवा लेते हैं। तो बैंक इस चीज को ऑथेंटिकेट करना चाह रहा होता है कि क्या जो पेंशनर है वो अलाइव है, जिंदा है, उसकी डेथ तो नहीं होगी। हो सकता है उसकी डेथ होगी और उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उसकी पेंशन विदड्रॉ करवा रहे हो, उन्होंने बैंक को इन्फॉर्म ना किया हो। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये इंस्ट्रक्शंस हैं बैंक्स को कि, और जो जो डिपार्टमेंट्स हैं जहां जहां से लोग रिटायर्ड होते हैं उन डिपार्टमेंट्स की भी ये रिक्वायरमेंट होती है, वो भी बैंक्स को इंटीमेट करते हैं कि आप हर 3 माह बाद ये लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर जो हैं उनसे लें, यानी उनसे ये अपने पास जमा करवाएं ताकि आप उस चीज को ऑथेंटिकेट कर सकें कि जो पेंशनर्स जो हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक बंदा जो पेंशन ले रहा है वो जिंदा है, अलाइव है। तो ये सबसे बड़ा सबूत होता है कि हर 3 माह बाद आपने लाइफ सर्टिफिकेट बैंक को जमा करवाना होता है, अपना नाम, अपना वल्दियत, CNIC नंबर लिख के और किसी गजटेड ऑफिसर से साइन करवा के जमा करवा देना होता है बैंक को। तो पहले इसका टाइम ज्यादा होता था कि साल में 2 दफा जमा करवाना होता था, लेकिन कुछ अर्सा पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई कि जी आप पेंशनर्स जो हैं हर 3 माह बाद लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे। और लाइफ सर्टिफिकेट का जो डॉक्यूमेंट होता है, यानी जो प्रिंटेड फॉर्म में जो मिलता है, वो आपको किसी भी ब्रांच से मिल जाएगा। जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है आपको वहां से मिल जाएगा, आप वहां से वो प्रिंट आउट निकलवाएं और किसी गजटेड ऑफिसर से साइन करवा के उसी बैंक को वापस जमा करवा दें। और व्यूअर्स, आप यहां पर एक और चीज आपको मैं बताता चलूं कि लाइफ सर्टिफिकेट का अल्टरनेटिव है बायोमेट्रिक। ये भी रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि जी अगर पेंशनर्स जो हैं वो लाइफ सर्टिफिकेट प्रिंट आउट लेके किसी से अटैच करवा के नहीं देना चाह रहे, तो वो पर्सनली ब्रांच विजिट करें और वहां पर जाके अपना बायोमेट्रिक करवाएं और अपने ID कार्ड की कॉपी सबमिट करवाएं। वो भी एक्सेप्टेबल होता है बैंक्स में एज अ इन द प्लेस ऑफ, यू कैन से दैट, के लाइफ सर्टिफिकेट की जगह उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। ये अभी रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाना चाह रहे तो बायोमेट्रिक करवा दें। तो व्यूअर्स, इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे भी हैं जो NOC लेने के बाद आउट ऑफ कंट्री मूव कर जाते हैं, तो उनके लिए बेहतर ये है कि आप लाइफ सर्टिफिकेट्स की बहुत सारी कॉपीज ले लें और एक ही दफा किसी गजटेड ऑफिसर से साइन करवा के स्टैम्प करवा के अपने घर रख लें, उसके ऊपर डेट मत डालें। और जब भी 3 माह बाद अगर उसका टाइम आए तो आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को भी दे के वो लाइफ सर्टिफिकेट भिजवा सकते हैं जो आपकी बैंक में जाके उसको जमा करवा सकता है। तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 माह आपको हो गए हैं और आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया या अपना बायोमेट्रिक जाके बैंक में नहीं करवाया, तो आपकी पेंशन जो है उसको रोक दिया जाता है, आपको पेंशन नहीं मिलती। इसलिए अपनी पेंशन को रोकने से बचाने के लिए जरूरी है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट टाइम पर बैंक को जमा करवाएं। व्यूअर्स, आई होप कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि जी ये जो लाइफ सर्टिफिकेट है ये कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, इसकी जरूरत कब पड़ती है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों से कम्युनिकेट करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। फी अमान।